मैं क्या कितना स्वागत नहीं करोगे आप हमारा स्वागत सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी भक्ति की शक्ति कृपया कमेंट सेक्शन में ना दिखाएं, क्योंकि अब ऑडियंस की आंखें खुल चुकी हैं, उन्हें सब पता लग चुका है कौन कितना सही है और कितना गलत। मतलब भाई के भक्त इतने खतरनाक है कि भाई की बॉडी देखने के चक्रों में पूरी मूवी देख लेते हैं। अबे तुम्हारी उम्र भाई की बॉडी देखने की नहीं है, तुम्हारी उम्र पॉर्न देखने की है। अपने सैल्मन बॉय अपनी मूवी को सिर्फ और सिर्फ ईद और दिवाली पर क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर नॉन हॉलीडे पर रिलीज करेंगे तो मूवी से चंदे जितना पैसा भी इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि सैल्मन बॉय को उनके फैंस ने भाईजान जो बना दिया। और ईद के दिन रिलीज करेंगे तो भाईजान के नाम पर तो बंदे जाएंगे ही देखने। मास्टर स्ट्रोक। अगर हम अपने सैल्मन बॉय को एनाकोंडा के नाम से रिप्लेस कर दें तो ऐसी कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, क्योंकि अपने सैल्मन बॉय भी निगलने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, जैसे इन भाई साहब का करियर निगल गए। पैसा लोगों का ईमान धर्म बेचने पे मजबूर कर देता है, ये तो सुना था, आज देख भी लिया, तुम भी देखो। मैं तो रेडी हूँ, आपका चैनल पैसे निकालेगा, मैं शर्ट निकालूंगा। एक पैक देखना है 1 करोड़, दो पैक देखना है 2 करोड़, तीन पैक देखना है 3 करोड़। खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। नहीं कसम से, अगर तुम इसको 5-10 करोड़ और दोगे तो ये तो तुम्हें अपनी गांड दे देगा। आवाज दबानी जरूरी है, वरना वीडियो के चक्कर में घर वाले गांड तोड़ देंगे मेरी। तो बात। मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें दो चूतिए एक अवार्ड फंक्शन को होस्ट कर रहे थे, तो उसमें एक चूतिए ने दूसरे चूतिए से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब उसने इतना चूतिया दिया कि मैं क्या ही बताऊं। तुम भी देखो। You want to save yourself? Are you saying you're a virgin? Yes. You're a virgin. आग मदर चो। अबे आज सबकी असली जात बाहर आने वाली है, because I'm fucking angry. What all I have to do to survive in this world, only I know. How much I cry when I'm alone. How much do I miss only one person used to stand by me? My father, I know. 5 साल, 8 साल खा गए ये लोग मेरे। पुणे में बैठा रखा मेरे को, कैमरा लगा के जो भी पूजा मिश्रा कर रही है, जो सेक्सी है या आइकॉनिक है, सोनाक्षी सिन्हा को दे दो, मलाइका की गाड़ में भर दो, या सलमान खान की मरी हुई लंड में लपेट दो। मुफ्त का एक मुफ्त का खिलौना मिल गया 2009 में, जिसके साथ अभी तक ये लोग खेल रहे हैं, जिसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, जिसका बाप मार के जिसे नौकर बना के रखा है इन रंडों ने। वाह, मतलब ना सैल्मन में बोलता है कि ये मूवीज में किस नहीं करता, लेकिन ये कौन बताएगा कि रियल लाइफ में तो एक नहीं, मतलब इन बॉलीवुड माफिया को लगता है भैंस कि यहाँ कुछ भी कर दो, इंडस्ट्री तो इनके बाप लोगों की है। मैं भी है भैंचोद, क्या ही करें। I just like to say that तुम ही ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। अरे सर, आपके सिंगर सोते सोते आए हैं सर। आई थिंक अरिजीत ने बहुत सबर से गाया है, and that patience was the need of the hour in today's music industry. Sorry sir, मुझे माफ कर दीजिए सर, please forgive me. क्षमा कीजिए, मैं आपके पैर छोड़ता हूँ सर। वाह यार, थैंक यू, सभी दे रहे हैं। चल बोजड़ी के साला, बकरी की तरह मिमिया रहा है उसके ऊपर। अबे सैल्मन बॉय को कोई बताओ कि ये कोई स्कूल लाइफ नहीं है कि जूनियर के ऊपर सीनियर चिल्लाएगा और जूनियर दुम दबा के भग जाएगा। वो तो बड़प्पन है उसका, उसने कुछ कहा नहीं, माइक फेंक के मारता मुंह पे। यार नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता कोई इनको, बॉलीवुड माफियाज को भाई साहब, इनको तो खासकर अंडरवर्ल्ड का हाथ जो है भाई साहब के सर पे, किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया ये तो चकवा देते हैं भाई। मतलब अपने सैल्मन बॉय का बहस किया, रुतबा ही बड़ा तोड़ू है, खुद तो कांड करके अंदर जाना नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपने बच्चे लोग जिनके सर पे हाथ रखा उनको भी अंदर नहीं जाने देते। सूरज पंचोली आए दिन किसी ना किसी कांड में फंस रहा है, उसके बावजूद उसके सर पे अपने सैल्मन बॉय का हाथ है, मजाल है वो लौंडा अंदर जा रहा हो। जब सैल्मन बॉय ने अंदाज अपना अपना में बोला था ना आमिर सर को, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है, आई फेल्ट दैट। अब अपने सैल्मन बॉय की मूवीज की बात करते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक तरफ और प्रेम रतन धन पायो एक तरफ। नहीं मतलब तुम मूवी का लॉजिक देखो, एक राजकुमार का डुप्लीकेट कौन है, अपना प्रेम दिल वाला, और जिसको कोई नहीं जान रहा ना पहचान रहा है कि हाँ भाई ये लौंडा राजकुमार की तरह दिखता है। मतलब के पकोड़ो मिस्टर फैजू
मिस्टर फैजू चूतिया आज ही नाम बना उसका, उसका भी कोई हमशक्ल निकलता है ना तो उसको भी पब्लिक पहचान रही है। और वो राजकुमार मूवी में उसका डुप्लीकेट घूम रहा है उसी के नीचे वाले गांव में, लेकिन मजाल है कोई पहचान रहा हो। नहीं मतलब नहीं, मैं सैलमन बॉय के भक्तों को एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा कोई हेट्रेड नहीं है सैलमन बॉय से, मेरे को उनकी जेन्युइनली एक्टिंग बहुत पसंद है यार सच्ची में। मतलब रेस 3 में जो उन्होंने एक्टिंग का, तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ, तुम लोग भी देखो फिर तुम्हें लगेगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। जेन्युइनली भाई प्योर टैलेंट। और ये तस्सा हर रोज हर पल मैं मरा हूं, जब तुम मेरे गाल पे हाथ लगाता था तो मुझे एहसास होता था कि मेरी मां कैसे तड़प तड़प के मरी है, जब तू गाना गाता था मुझे एहसास होता था कि तुमने मेरे बाबूजी को किस तरह मारा। वाह, सैलमन बॉय सुनो, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी फिजिक्स में 33 नंबर आए थे, जिसमें से 20 नंबर का मुझे फर्रा जमीन पे पड़ा मिला था। तू है। फिर भी मैं इस सीन को देख के बता सकता हूं कि रॉकेट की मुंडी ऊपर है भाई, वो ऊपर ही जाएगा, इतनी भारी चीज ऊपर ही जाएगी, स्पेशली जब टारगेट आपके 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हो। और अपने सैलमन बॉय का रॉकेट साला ऐसे की जगह सीधा चला गया। कल मुझे एक बंदे का इंस्टा पे डीएम आया, कहता सलमान अब शादी नहीं करेंगे। मैं कहा भोसड़ी के पूछ रहा है कि बता रहा है? मैं कहा अगर तो तू वो पूछ रहा है ना, तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि शिलाजीत भी एक उम्र तक ही असर करती है। भाई को पता लग गया होगा, उम्र गई अब शिलाजीत भी असर नहीं करेगी तो अब शादी करने का क्या फायदा। मतलब बॉलीवुड का मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई, जब से नेपोटिज्म वालों के हाथ आया है ना बॉलीवुड, माँ बहने कर दी है। मतलब कोई भी सही जगह पर नहीं है। टाइगर श्रॉफ जिसको सर्कस में होना चाहिए वो मूवीज कर रहा है, करण जौहर जिसे नाना पाटेकर के साथ ही सीन में ऑपोजिट होना चाहिए वो साला मूवीज डायरेक्ट कर रहा है, और सलमान बॉय जिस जेल के पीछे होना चाहिए वो फिजिक्स की मूवी। मतलब कल मैं न्यूज देख रहा था, उसमें सलमान खान के घोड़े ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। सलमान का घोड़ा कहता कि मैं घोड़ा लेकिन मेरा मालिक बहन का, कहता कोई इसको अंदर डालो, इसको और के करियर खाने के बाद अब मेरा खाना भी खाना है। कुछ भी सही बता रहा हूँ। मतलब वेलकम मूवी में जब मजनू भाई ने वो घोड़े वाली पेंटिंग बनाई थी ना, तो सारी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, कोई उनके अंदर का जो वो आर्टिस्ट था उसको समझ नहीं पाया, लेकिन मैं समझ गया था। मुझे पता था इतना बड़ा आर्टिस्ट कुछ ना कुछ तो मतलब होगा इस पेंटिंग का, और ये देखो है ना हूबहू बिल्कुल डिट्टो, और वही तुम्हें इस पेंटिंग में दिखेगा, एक जानवर दूसरे जानवर का बोझ उठा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी कहाँ है भाई। मतलब यार सैलमन बॉय के फैंस को मैं इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि यार बात ऐसी है, जब आपके पास काली करतूतों से बहुत पैसा आ जाए ना, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए एक वाइट चादर आगे ओढ़नी पड़ेगी, ये तो थंब रूल है भाई, पिक्चरें नहीं देखते क्या? तो आपके सैलमन बॉय भी बींग ह्यूमन मने घूम रहे हैं, सोच रहे दुनिया तो चूती है, उल्टे सीधे कांड करी चलो और सामने आ जाओ पब्लिक के बींग ह्यूमन बन के। भाई सही काम करने से जो आपने काली करतूते की है वो छुपती नहीं है। खैर ऐसी बात नहीं है कि अपने सैलमन बॉय सिर्फ पुठे काम ही करते हैं, सैलमन बॉय अच्छे काम भी करते हैं, ये देखो प्लांट्स उगा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की प्लानिंग तुम्हें फिर पता नहीं होगी। आ सलमान भाई प्लांट्स उगा रहे हैं, कल ये प्लांट्स बढ़ जाएंगे तो जंगल बन जाएगा, जंगल बढ़ जाएगा तो हिरन आएगा, और हिरन आएगा तो फिर सलमान भाई बहुत दूर की सोचता है अपना सैलमन बॉय, बहुत दूर की। मतलब तुम अपने सैलमन बॉय की हरकतें देखो, एक तरफ तो बिग बॉस में ये उस कंटेस्टेंट्स को डांट रहे हैं कि भाई जिससे तू लड़ रहा है झगड़ रहा है तू उसका नाम भूल गया, देखो रोहन का नाम नहीं जानते आप, एक आदमी से लड़ते हो झगड़ते हो तू तड़ाके से बात करते हो और आपको उसका नाम भी नहीं पता। हाँ मेरी गलती है सर, अगर आप कह रहे हो तो गलती नहीं है, बदतमीजी है। और दूसरी तरफ अपने सैलमन बॉय की हरकत देखो, विवेक ओबरॉय को आप कि मैं कभी जाके नाम क्या उनका विवेक ओबरॉय भाग मदर चूं संसद बहुत ही लीचड़ आदमी हो यार। छी 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 मतलब
कल मेरी ना गलती से अपनी एक्स से बात होगी और उससे बात करते करते मेरे दिमाग में इतनी गंदी गाली, इतनी खतरनाक गाली आई ना कि क्या बताऊं। तो यार कोई प्लीज जाके सैलमन बॉय को बोलो ना कि यार कोई गाना या मूवी निकाल ले, मेरे को वो गाली यूज करनी है यार। प्लीज प्लीज यार, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बोल रहा हूँ यार, प्लीज यार। मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों का ना मन नहीं भरता, मतलब जैसे कि तुम्हारी क्रश होगी उसका तुम्हारे को इग्नोर करने से मन नहीं भरता होगा, हमारे मॉम डैड का हमको मारने से मन नहीं भरता, तुम हरामियों का मेरी वीडियो लाइक करने का मन नहीं करता, बस वैसे ही अपने सैलमन बॉय का ना कुछ भी सही करने का मन नहीं करता। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तो माँ बहने करी करी, अब इंग्लिश की भी माँ बहने कर दी। तो मेरा नाम है सलमान खान, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक ब्रांड लॉन्च किया है हाल ही में, उसका नाम है फ्रेश, और फ्रेश की स्पेलिंग सुनो, FRSH। अब ये पूछो कि इसके पीछे क्या थ्योरी थी। नहीं अब जब WHERE को WHR कर सकते हो, अब THERE को THR कर सकते हो, तो फिर फ्रेश FRSS क्यों नहीं हो सकता। तू आगे तुमने हमारी कुंडली में भाई जा। नहीं मतलब क्या है, क्या चीज, क्या है ये बंदा, क्या चीज है ये। Alright guys, so I hope तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा यार। तो अगर वीडियो पसंद आ गया ना तुम्हें, तो अभी के अभी लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि भाई साहब मुझे लाइक चाहिए। सैलमन बॉय का रोस्ट किया, एक बहुत बड़े खतरे से टक्कर ली है, तो मुझे लाइक्स चाहिए, कम से कम 2000, बहुत कम टारगेट रख रहा हूँ, 2000 तो चाहिए। और सच्ची बता रहा हूँ, अगर 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो गया तो ये खतरा मैं फिर से मोल लेने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तो चलो फिर दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अबे भाई के भक्त बाहर कैसे आ गए, अभी तो मैंने वीडियो भी नहीं डाला। वो तो खिड़की दरवाजे बंद करो अमरी तो है।